चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये शकरकंदी प्याज की नई रेसिपी एकदम। तो स्टार्ट करें आंटी। हाँ बताइए। ये शकरकंद, हाँ हाँ, यानी कि स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, इनको आप छील लेंगे। इस सब्जी की खास बात ये है कि जब भी आपको ये सब्जी बनानी हो तो आंटी इंस्टेंटली आपको छीलने। हाँ, क्योंकि वो काली पड़ जाती है। अच्छा, ओके। हाँ, और काट के छील के काटनी हो तो भी उसको पानी में ही रखना होता है, नहीं तो ये काली पड़ जाती है सब्जी। तो आप देख सकते हैं स्वीट पोटैटो आप किस किस तरीके से खाते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ और तेल हमारा चढ़ा देते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म होगा तब तक हमारी सब्जियां भी कट जाएंगी। देखो ये शकरकंद है, इसके आगे पीछे के निकाल दिए। वैसे गोल गोल इसको काट लीजिए। अच्छा, गोल गोल राउंड राउंड हमें काटने। मोटी हो ज्यादा तो उसको बीच में से आप काट लीजिए। हाँ हाँ, ऐसे पतली पतली हो तो गोल गोल पानी में ही काटनी है। अच्छा, ताकि ये काले नहीं पड़े। काले नहीं पड़ते। ओके, और आप देख सकते हैं ये हरे प्याज यहाँ पे काटे हुए हैं और वहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च। तो देखिए शकरकंदी की ये सब्जी आज हम आपको दिखा रहे हैं, स्वीट पोटैटो की। सर्दियों में बहुत खाई जाती है। बिल्कुल। तो चलिए अब हमारे कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम जीरा डालेंगे, क्यूमिन सीड्स, आगे हमारी शकरकंदी। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं विद द लवली मॉम अनीता शर्मा जी की किचन में आंटी के यहाँ दिखाने के लिए आपको उनकी ये शकरकंदी और हरे प्याज की सब्जी जो सर्दियों में बहुत शौक से खाई जाती है। बहुत सिंपल सब्जी है। और ये क्या डाला आपने? कोरिएंडर पाउडर, यानी कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी। चटपटी खानी हो तो अच्छे से डाल दो। तो फ्राई करके बहुत सिंपल और अच्छी और स्वीट पोटैटो तो बहुत अच्छा होता है सर्दियों में। सब्जी बनती है। हाँ, आप इसमें प्याज भी डाल दें। अच्छा, हरा प्याज। इसमें हम नॉर्मल प्याज डाल भी डाल सकते हैं, हरे प्याज के लिए हरा प्याज ज्यादा अच्छी बनती है। अच्छा, तो देखिए ग्रीन अनियन के संग और भी ज्यादा टेस्टी बनती है। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल दीजिए। हाँ हाँ, दो से तीन मिनट में ही गल जाएगी सब्जी। अच्छा, टमाटर और हरी मिर्च हम डालेंगे अभी और फिर हम आपको दिखाते हैं। और ये कौन सी फ्लेम में बना रहे हैं? ये मीडियम फ्लेम। मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए दो से तीन मिनट हो चुके हैं, हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर हरी मिर्च साथ में डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा हिला के दो मिनट और रखेंगे तब टमाटर गल जाएंगे। और ये गर्मा गर्म चपाती के साथ बहुत अच्छी लगेगी। गर्म गर्म, हाँ, बहुत अच्छी लगती है आंटी। मैंने ही पहली बार देखी है ये शकरकंदी की सब्जी। हाँ, जोधपुर में बहुत बनाते हैं लोग। राजस्थान में ये सब्जी बहुत बनती है। हाँ हाँ, सबको बहुत पसंद आती है सर्दियों में गर्म गर्म। हाँ, सर्दियों में गर्मा गर्म और फटाफट बन जाती है, तो जब गर्मा गर्म चपाती बनाई तो उसके संग हम बना सकते हैं ना। बिल्कुल। तो देखिए ये जबरदस्त रेसिपी आज हमारी यहाँ पे रेडी हो रही है, तो आप भी इसको इनकॉर्पोरेट करिए, बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और जायका का तड़का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फॉलो करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के संग ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। तो अभी हम सर्व करते हैं। बस बिल्कुल हो गई है। देखिए यहाँ पर कितनी फटाफट ये सब्जी बनती है और देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। मिलेंगे दोबारा जायका का तड़का में। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। बाय बाय एवरीवन।